जब NHAI का गठन हुआ, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, उसके बाद जो है देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के काम तेज़ी से आना शुरू हुए। 98-99 तक ज़्यादातर नेशनल हाईवे 2 लेन थे। 4 लेन का जो काम था, पहला जो NHAI के पहले लॉट था, उसमें हमें आगरा ग्वालियर का स्ट्रेस था जिसमें हमें कॉन्टैक्ट मिला, और 99 के बाद हम लगातार NHAI के साथ काम कर रहे हैं। Adding life to your big ambitions, UltraTech, India's number one cement. मेजरली हम लोग 3 एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे में 2 प्रोजेक्ट कर रहे हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में 2 प्रोजेक्ट कर रहे हैं, नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे में पैकेज नंबर 4, 1 पैकेज कर रहे हैं, और सभी पैकेजों में काम तेज़ी से चल रहा है और मुझे लगता है कि सभी पैकेज टाइम से पहले हम कर रहे हैं। हमारे यहाँ अकाउंटिंग के और फाइनेंस के कुछ अच्छे सिस्टम हैं जिसकी वजह से कोविड में भी हमें कोई परेशानी नहीं हुई। हमारी कंपनी AA रेटेड कंपनी है जिसकी वजह से फाइनेंस की कॉस्ट भी बहुत मिनिमाइज कॉस्ट मिलती है हमको। सबसे पहला काम हमारे यहाँ क्वालिटी का है, क्वालिटी पर हम बहुत ध्यान देते हैं, और समयबद्धता पर, टाइमली कंप्लीशन पर भी हमारा बहुत ध्यान रहता है, जिसकी वजह से हमें सफलता मिलती चली गई। कंपनी एग्रीगेट से लेके रोड मार्किंग तक अनाउंस करती है। इंडिया जैसी कंट्री में हाईवे कंस्ट्रक्शन में बहुत बड़ा चैलेंज है लैंड एक्वायर करना। दूसरा, यहाँ पर माइनिंग की बहुत बड़ी चैलेंज है। यहाँ हमें ये भी देखना पड़ता है कि कोई भी रोड जो बनाने से पहले उसके लिए मेजर रॉ मटेरियल एग्रीगेट चाहिए, एग्रीगेट किस जगह से आना है, और क्या उस माइनिंग एरिया पर कोई स्टे तो नहीं है या फ्यूचर में कोई स्टे तो नहीं आने वाला है, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और अभी जो काम मुख्य रूप से हुआ है 20 साल के अंदर, वो रोड डेवलपमेंट का ज़्यादा हुआ है। चाहे अमेरिका की रोड हो, चाहे यूरोप की रोड हो, हम उनसे बेटर रोड बना के आज हम इंडिया में बैठे हुए हैं और बना रहे हैं। अभी जो बाकी सेक्टर रह रहे हैं, जैसे बार्टर सेक्टर है, और कई जगहों पर रेलवे 2 लेन ही चल रही है, अधिकांश जगहों पर 2 लेन है, तो रेलवे की 4 लेन की बहुत बड़ी डिमांड है, बहुत बड़ी गुंजाइश है देश के अंदर। नदियों को जोड़ने की एक बहुत बड़ी की योजना है, घर घर जल पहुंचाने की योजना है, बिजली पहुंचाने की योजना है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बहुत बड़ा काम देश के अंदर होने वाला है। इंडिया और इंटरनेशनल लेवल के टॉप मशीनरी खरीदने में हमने विश्वास रखा। कंपनी का फ्यूचर आने वाले समय में काफ़ी अच्छा है। सरकार की अभी डिस इन्वेस्टमेंट की जो स्कीम आई है, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी चांस मिलेगा, और जो इस इंडस्ट्रीज के लीडिंग प्लेयर हैं उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी है। देश के अंदर 10 साल में बहुत बड़ा विकास कार्य होना है, और इस विकास कार्य को मैं समझता हूँ हमारी कंपनी मजबूती के साथ करेगी।